ठीक है, तो आज फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस हम करेंगे एडमिशन चैप्टर के, एंड क्वेश्चन नंबर 68 से हम शुरुआत कर रहे हैं। दिस इज अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस। श्यामलाल एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 इज गिवन हियर। ठीक है, हमें बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है अभी, पहले हम पढ़ ले क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2019 they admitted Shankar into partnership for 1/3 share in future profits. Shankar is to bring 30,000 as his capital, 20,000 as goodwill. 30,000 capital के लारा, 20,000 goodwill, total 50,000 लाया. Stock and furniture are to be reduced in value by 10%, को 10% गिराना है. Building को appreciate करना है. Provision बनाना है 5% sundry debtors पर. अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, 2400 की इनकम है एक्रूड जो हमें रिकॉर्ड करनी है, पैसा लेना ही हमने। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। कह रहे एक डेटर था जिससे जिसके हमने पैसों को 4800 रुपए को बैड डेट में डाल दिया था, आज वो हमें 50% पैसा दे रहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट है 4800 का। शो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और बैलेंस शीट। तो दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन, अभी इसको स्टार्ट करते करना आप लोग मेरे साथ फॉर्मेट बना लो फटाफट। देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है, एडजस्टमेंट से। जो भी क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, शंकर इज टू ब्रिंग इन 30,000 एज कैपिटल, 20,000 गुडविल। ठीक है, देखिए कैश हमारे पास 710 रुपए पड़ा हुआ है। अब शंकर पैसा लेकर आ रहा है 710 के अंदर। शंकर की जो कैपिटल है 30,000 कैपिटल के लिए लेकर आया और गुडविल के लिए लेकर आया 20,000। ठीक है, अब बताइए कैपिटल का पैसा जो है कहां पर जाने वाला है, श्याम संजय और शंकर। ये पैसा जाएगा यहां पर बाय कैश, 30,000 इसी कैपिटल में डाल दिया। अब 20,000 गुडविल के लिए लेकर आया है ना, गुडविल के लिए एंट्रीज क्या होती है, कैश बढ़ गया। अगर हम गुडविल की एंट्रीज यहां करके देखें तो गुडविल की एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 ये लेकर आया और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किस में बढ़ जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। एंड इन दिस केस इनका जो रेशियो था पुराना 2:3 था, नए पार्टनर को हमने 1/3 शेयर देना है। तो यहाँ पे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो 2:3 ही हमारा जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। अगर आपको श्योर नहीं है इस बात को लेकर, श्योरिटी नहीं है, तो आप खुद नया रेशियो निकाल के सैक्रिफाइस और गेन निकाल सकते हैं। श्याम और सुंदर, सॉरी श्याम और संजय, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, 20,000 को यहां पर आ जाएगा 8,000 और 12,000। अब इस एंट्री के बेसिस पे हमें कहां पर जाना है, कैपिटल अकाउंट्स में जाना है और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर यहाँ पर 8,000 और यहाँ 12,000 का क्रेडिट दे देना। ठीक है, पार्टनर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे चलते हैं, देखिए कह रहा है स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड इन वैल्यू बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर को 10-10% कम करना है 18,000 और 4,400 को। तो हम जाएंगे रिवैल्यूएशन में, पहले फर्नीचर और स्टॉक को हमें रिड्यूस करना है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। स्टॉक आ जाएगा 1800 और फर्नीचर आ जाएगा 440। इनकी वैल्यूज को हमें अपडेट करना है बैलेंस शीट में। स्टॉक 44,000 में से 4400 लेस हो गया, तो ये बच गया 39,600। और जो फर्नीचर है वो सॉरी 18,000 में से 1800 लेस कर दिया,
यहाँ 18,000 में से 1,800 लेस करना है, यादगार 16,200, और 4,400 में से 440 लेस करना है, यादगार 3,960। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 15,000 रुपए से। बिल्डिंग जो है 40,000 की अभी है, ठीक है, अब वो 55,000 की हो जाएगी, क्योंकि 40,000 में हमने कितनी एप्रिसिएशन दिखाई है, 15,000 की। बिल्डिंग के लिए यहां पर हम क्रेडिट दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन बाय बिल्डिंग काउंट 15,000। 5% प्रोविजन बनना है डेटर्स पर। डेटर्स कितने हैं, 5,500 के। तो पहले डेटर्स में जाते हैं, डेटर्स में गए, 5,500 के डेटर्स हैं, उस पर प्रोविजन बनना है। प्रोविजन को अपोजिट साइड भी लिखते हैं, पहले देखिए पुराना कोई प्रोविजन बना तो नहीं हुआ, नहीं बना हुआ। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% विल बी आई थिंक 275, और ये हो जाएगा 5,225। ठीक है, इसके बाद हमने रीवैल्यूएशन में इस फिगर को अपडेट कर देना है प्रोविजन की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 275। उसके बाद अनअकाउंटेड एक्यूड इनकम 2400। अनअकाउंटेड एक्यूड इनकम आ रही है 2400। ठीक है, एक्यूड इनकम मतलब हमने किसी से पैसा लेना है, तो ये फायदा है, यहां देखा एक्यूड इनकम 2400, और बैलेंस शीट में एक्यूड इनकम को हम एसेट्स में दिखाते हैं। यहां दिखा देता हूं, एक्यूड इनकम 2400। ठीक है जी, इसके बाद कह रहा है डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4,800 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड 50% फुल सेटलमेंट। एक डेटर से हमने 4,800 रुपए लेते, वो बैड डेट हो चुका है हमारा, डूब चुका है पैसा, अब वो 2,400 रुपए दे रहे हैं हमको, तो 2,400 रुपए हमारे कैश में और ऐड हो गया, और ये फायदा है, और यहां हम लिखेंगे क्या एंट्री डालेंगे, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, 2,400 रुपए हमारे रिकवर हो गए। तो 4,800 में से 2,400 रिकवर हो गए, बाकी 2,400 हम तो पैसा मान चुके थे डूब गया, ये तो हमने रिकवरी दिखानी, एक तरह की इनकम है ये। ओके, इसके बाद कह रहा आउटस्टैंडिंग रेंट है 4,800 का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्ड करना है 4,800। ठीक है, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, सारी एडजस्टमेंट्स हमने देख लिए और कर भी लिए, अब हम अपने दिमाग से जो चीजें दिखती हैं बैलेंस शीट के अंदर उनको एडजस्ट करेंगे। जैसे क्रेडिटर्स है वो बैलेंस शीट में जाना है 12,435, तो क्रेडिटर्स को हमने यहाँ बैलेंस शीट में डाल दिया 12,435। कैपिटल अकाउंट श्यामलाल और संजय है, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे श्यामलाल और संजय का, बाय बैलेंस बीडी 34050। ठीक है जी, उसके बाद कैश एट बैंक जो है 11925 है, वो भी एज इट इज आ जाएगा हमारी बैलेंस शीट के अंदर। स्टॉक हो गया, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग 40,000, हाँ ये सब हो चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना, इस इन सभी अकाउंट्स को क्लोज करना, ठीक है, तो फटाफट क्लोज करके आप मुझे वैल्यूज बताइए। यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 12,485 का आया है, इसको हम श्याम और संजय दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करिए। यहाँ पर हमने इतना इतना अमाउंट इनको देना है श्याम को और संजय को, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट
4994 और 7491। ये हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अकाउंट क्लोज हो चुका है हमारा। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, फटाफट इसको भी क्लोज करिए। तो ये हमारी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, अब इनको हम बैलेंस शीट में अपडेट कर देंगे। श्याम, संजय और नया पार्टनर का नाम क्या है? शंकर। 47044 53541 और 30,000, इसका टोटल बताइए कितना आ रहा है? ये इनका टोटल आ रहा है कैपिटल का और बैलेंस शीट का। ठीक है, देखिए हमारा सॉल्व हो चुका है, दोनों साइड्स मैच्ड हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 69 हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर है क्या। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज। डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1st of April 2019 फॉर इक्वल शेयर। इक्वल का मतलब होता है 1/4 हो गया। His capital is to be 50,000. Following adjustment are agreed on D's admission. Out of creditors, the sum of 10,000 is due to D. D को हमने 10,000 देना था, वो हमारा creditor था कभी. Will be adjusted against capital. वो उसकी capital के साथ adjust कर दो. मतलब जिस बंदे ने 50,000 रुपए देना था, वो 40 देगा. क्योंकि 10 तो उसका already हमारे पास as creditor आया हुआ है. Advertisement expense 1200 are to be carry forward as prepaid expense. इसको prepaid expense में डाल देंगे. एक्सपेंस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल चुके हैं ऑलरेडी, इंक्लूड सम 2000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंस। कह रहा है जो हमने ऑलरेडी खर्चों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे दिखाए हुए हैं, उसमें 2000 हमने बी के पर्सनल खर्चे दिखा दिए। ठीक है, किसी भी पार्टनर के पर्सनल खर्चे उसकी ड्रॉइंग्स में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। ठीक है, तो इन खर्चों को हम वापस लेंगे। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 4000 का, विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड। डिस्काउंट का मतलब समझते हैं ना, ये पैसा हम पहले ले चुके हैं। डिसऑनर ऑन 31 मार्च 2019 एंट्री वॉज नॉट पास फॉर डिसऑनर। ये पैसा हम ले चुके हैं, बंदे ने आगे पैसे नहीं दिया होगा बैंक को, तो बैंक किससे काटेगा? वो पैसा हमसे ले लेगा। तो इसको हमने इफेक्ट देना है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, मैं आपको इसकी जर्नलिटी सिखाऊंगा। प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स पर। एक्सपेंसिज ऑन रिवैल्यूशन 2100 है, पेड बाय ए। ये ए ने पे करे तो ये हम ए को वापस करेंगे। Prepare necessary ledger account and balance sheet after D's admission. Necessary ledger account क्या होते हैं? पहला revaluation, दूसरा partners capital, तीसरा हम balance sheet बनाएंगे। Cash account बनाने की जरूरत हो तो बनाएंगे, otherwise जरूरत नहीं है। तो फटाफट मेरे साथ formats बनाइए। Formats बन गए, start करते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है question के अंदर, 3:1 इनका ratio, इसको equal share चाहिए और 50,000 हमने इसे capital लेनी थी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आउट ऑफ द क्रेडिटर्स अ सम ऑफ 10,000 इज ड्यू टू डी विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। पहले तो इसकी कैपिटल की एंट्रीज कर लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान से अपने बात समझनी है कि ये पैसा जो है वो कितना लेकर आएगा, बाय कैश अकाउंट ए बी सी और डी। पैसा ये लेकर आएगा मात्र 40,000। क्यों? बाकी जो है क्रेडिटर था हमारा, अभी हमसे पैसे तो मांगेगा नहीं। तो मतलब क्रेडिटर्स को खत्म करके जो हमने क्रेडिटर्स को पैसा दे रहा था, मानेंगे कि हमने इसकी कैपिटल में डाल दिया। एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने की एंट्री? 10,000। किसकी कैपिटल में एंट्री गई है? डी की कैपिटल में गई है। तो यहां से मेरे क्रेडिटर्स को हटा दो, क्रेडिटर्स 10,000 के कम हो गए। 30,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उसमें से 10,000 कम कर दो। ठीक है जी, और वो 10,000 रुपए कहां डाल दो? इसकी कैपिटल में डाल दो। यहां देखा बाय क्रेडिटर्स, तो इसकी कैपिटल में कितना पैसा आ गया? पूरा 50,000 आ गया जो इसको लाना था। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो। हां जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं हम। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्डेड एज प्रीपेड एक्सपेंस। हमने मतलब प्रीपेड एक्सपेंस में 1200 दिखाना है। अब कैसे करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, कैसे खड़े करेंगे? यहां पर आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिखा देते हैं हम यहाँ पे 1200 रुपए के। ये कैसे दिखाएंगे? आप एक एसेट जनरेट कर रहे हैं, एसेट जनरेट करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट करके दिखाना पड़ेगा, बाय प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस।
1200 रुपए का, ठीक है। फिर कह रहा है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स अ सम ऑफ 2000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। 2000 रुपए आपने खर्चों में डाल दिए थे जो नहीं डालने चाहिए, तो खर्चों से जब आप निकालोगे, ठीक है, खर्चे में डालते डेबिट, खर्चों खर्चे वापस निकालोगे तो क्रेडिट, तो यहां पर आ जाएगा। और ये कहां जाने चाहिए, बी के ड्रॉइंग्स में जाने चाहिए ना, तो बी की ड्रॉइंग्स में जाएंगे, बी की कैपिटल से माइनस होंगे, तो आ जाएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट 2000, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बी है, ठीक है, मैंने लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज 4000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। जब आप पैसा ले चुके होते हैं बैंक से और वो डिसऑनर हो जाता है तो क्या होता है, आप डेटर को पकड़ते हो फटाफट जाके, क्यों, क्योंकि आपके बैंक से उतना ही पैसा काट लिया जाता है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, डेटर टू बैंक। कितने का बिल था, 4000 रुपए का। तो यहाँ पे इफेक्ट जो है रिवैल्यूएशन पे कहीं नहीं आएगा, ये डिसऑनर की एंट्री, आप 11वीं क्लास के अंदर आपको पढ़ाया गया है, आपके बैंक से पैसा काट लेगा बैंक अगर आपने बिल पहले डिस्काउंट करा रखा है, तो आएगी डेटर्स टू बैंक, आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा यहां पर, ठीक है। बैंक बैलेंस कितना है, 10000 माइनस 4000, ठीक है, और आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे, आपने पैसा अभी लेना है, डेटर्स 30000 में आप 4000 ऐड कर दोगे। अब आगे चलते हैं, कह रहा है प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स के अगेंस्ट, तो अब ये जो हमारे डेटर्स है वो 34000 के है, प्रोविजन बनेगा 5%, ये हो गया 1700। कोई पुराना प्रोविजन तो नहीं बना हुआ, आई थिंक कोई पुराना प्रोविजन नहीं है, तो यहां आ जाएगा 32300 और यहां पे प्रोविजन की एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये एंट्री अपनी बुक में जरूर लिखने ना, कहां पर लिखनी है, इसके यहां पर डी पॉइंट के आगे, ताकि जब क्वेश्चन करो तो ध्यान आ जाए इस एंट्री का इफेक्ट देना है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, एक्सपेंसेस जो है रिवैल्यूएशन के वो 2100 रुपए पेड बाय। अब रिवैल्यूएशन का खर्चा जो है वो रिवैल्यूएशन के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, टू एज कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे टू एज कैपिटल अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का पैसा हमने ए को देना है, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन का खर्चा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है, और वो पैसा हमने ए को देना है तो ए क्रेडिट हो गया, ठीक है। यहां पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन एक्सपेंस 2100 रुपए, ठीक है, और ए को हमने पैसा देना है तो ए की कैपिटल में या क्रेडिट चला जाएगा, कैसे जाएगा, यहाँ आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्रेडिट आया इसके पास, कितने का, 2100 रुपए का, ये हमने इसको पैसा देना है। आपको इन एडजस्टमेंट्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप आराम से पूछ लो। सी पॉइंट का जो इफेक्ट है वो यहां पर लीजिए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी की कैपिटल से 2000 कटना है, ठीक है, फर्स्ट है, ए पार्ट पढ़ता हूँ। हाँ जी, अब क्वेश्चन ने जो कहा था हमने कर लिया, अब हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बाकी रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट की रिमेनिंग चीजों को उठाओ, कैपिटल एबीसी 60 60 40, इनके बैलेंसेस लिखते हैं, कोई भी साइड उठा सकते हो आप, पहले मेरी आदत है कि मैं लायबिलिटी साइड से शुरू करता हूँ, 60000 60000 40000, इसमें इन्होंने गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं दी इस क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स 30000, वो तो हमने ऑलरेडी करे लिखे हुए हैं, बिल्स पेबल 10000, तो बिल्स पेबल यहां आ जाएगा 10000, आ गया, क्रेडिटर्स 20000 हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग 50000, कोई चेंज नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग 50000 कर देते हैं यहां पे, प्लांट एंड मशीनरी 40000 कर देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 40000, फर्नीचर 30000 कर देते हैं, फर्नीचर 30000, स्टॉक जो है 20000 कर देते हैं, स्टॉक 20000, डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल कर देते हैं यहाँ पे, बिल रिसीवेबल इज
20,000 एंड बैंक बैलेंस तो हमने यहाँ लिख ही लिया था ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज तो है नहीं। नया पार्टनर जो पैसा लेकर आया था, अच्छा कैश अकाउंट तो है ही नहीं, तो यहाँ बैंक में 40,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे। यहाँ कैश हटा के बैंक लिखना है आपने, ठीक है, यहाँ कैश हटा के बैंक लिख देंगे क्योंकि कैश अकाउंट हमारे पास है ही नहीं, ठीक है जी। तो अब आपने क्लोजिंग करनी है, बस सारा क्वेश्चन हो चुका है, आप क्लोजिंग करनी है, फटाफट क्लोजिंग करके आप लोग मुझे देंगे। रीवैल्यूएशन लॉस 300, 200, 100 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी और ABCD में, ABC में, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्लोजिंग करनी है, कैपिटल्स को क्लोज करना है, कैपिटल्स को आप क्लोज करिए फटाफट, और वैल्यूज देखिए क्या आ रही है। ये इनकी कैपिटल वैल्यूज आ गई, अब इनको हमने बैलेंस शीट में पुट करना है। ठीक है, हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। ये फाइनल टोटल 239,500, 239,500 का टोटल मैच कर रहे हैं।